पारा पहुंचा 45 के पास, जल जीवन प्रभावित। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या दिक्कत है? गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत ज्यादा है। हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, रात में भी हम लोग पढ़ाई हो नहीं पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। रात में हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइट भी कट जा रही है, जिसके कारण हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सभी काफी ज्यादा लोग भी इसके लिए प्रभावित हो चुके हैं। रोड पर टहलने के लिए सोने के बजाय रोड पर टहल वहल रहे हैं, छत पर टहल भी रहे हैं। हम लोग को काफी बहुत दिक्कत आ रही है पढ़ने में। आज टेम्परेचर कम से कम 45 डिग्री हो गई है। जब हम लोग से इंस्टीट्यूट से छुट्टी होकर आ रहे हैं तो बहुत काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही है, जिससे हमको टोपी या लग रहा है कि टोपी या कोई गमछी वमछी लेकर चलना पड़ेगा। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी है। इससे बचने के लिए? हाँ, इससे बचने के लिए हमने मुंह ढका है। कितनी गर्मी है? कम से कम 45-46 के ऊपर होगी। क्या नाम है आपका? गर्मी बहुत तेज है। हम लोग प्याज के सहारे जीत वो करते हैं। क्या प्याज में गर्मी नहीं लगती? गर्मी प्याज ही दूसरे हैं जी। हम प्याज के गर्मी बहुत तेज लगती है, हम प्याज के सहारे रहते हैं कि लोग नहीं लगती और उसके बिना वो नहीं कि गर्मी के इसे कहा हम गरीब आदमी, इसीलिए हम प्याज। वीरेंद्र कुमार गुप्ता। घर से निकलने के पहले नींबू पानी पीते हैं। इतनी तगड़ गर्मी है कि लोग डायरिया के शिकार हो जा रहे हैं, और पूरे कि यहाँ पर न पानी की व्यवस्था है, न कहीं यहाँ पर नगर निगम ने कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था कर रखा है, न छाँव की व्यवस्था है। इसलिए लोग यहाँ पर बहुत ही बीमार पड़ रहे हैं, और इस समय तापमान लगभग 47 डिग्री सेंटीग्रेड का होने का है, और हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं ब्रजेंद्र मिश्रा।